ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सीईओ को सीईओ लगना चाहिए। अच्छा, जो सबसे ज्यादा जो मोर पावरफुल सीईओ हैं दुनिया में वो कौन है? मुझे लोग सब पूछते हैं कि बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ कुछ लोग बेचारे ऐसे होते हैं, सीईओ भी हैं, नॉन सीईओ भी हैं, जिनकी नेक ही नहीं होती बेचारों। उसको उसका क्या लाभ? पैंट्स टाई करने का एक तरीका होता है। मुझे नहीं पता लोग कहाँ से इसको सेंस करते हैं कि मुझे कहाँ टाई करनी चाहिए पैंट। अस्सलाम वालेकुम, रेडियो पाकिस्तान लाहौर से मैं हूँ सदर खालिद टॉम चीज, और हमारे साथ हैं बहुत ही ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल, बहुत वाइज आमिद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? जी बहुत बेहतर। आमिद साहब, इतना टाइम आप हमें देते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सी चीजें पूछते हैं, इतने क्वेश्चन होते हैं कि समझ नहीं आती पहले क्या चीज जो है वो आपसे पूछी जाए। तो आज का जो क्वेश्चन जो मुझे लगा कि ज्यादा फोकस जो है जिसपे होना चाहिए, वो देखें बहुत सारे लोग हैं अपना बिजनेस चलाते हैं जी। और कुछ लोग हैं बस उठे, नाश्ता वास्ता किया, बस नॉर्मल सी ड्रेसिंग की और चले गए। लेकिन कुछ लोग हैं बहुत अप टू डेट होके जाते हैं, जैसे शादी पे जा रहे हैं। ये जो इसमें म्याना रवि है, जो बैलेंस क्रिएट करना है हमने, तो आप मुझे बताइए कि अगर कोई सीईओ है अपनी बिजनेस को रन कर रहा है, तो उसको एक बैलेंस ड्रेसिंग कैसी करनी है? और आज हम इसमें हेड टू टो डिस्कस करेंगे। तो अब आप चूज करें कि आप पहले क्या चीज डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सीईओ को सीईओ लगना चाहिए। अगर सीईओ सीईओ नहीं लगता तो आई थिंक सीईओ नहीं है। सीईओ नहीं है, ठीक है। एक वाक्य शेयर करता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग। मेरे पास एक साहब आए, तो वो ऑब्वियसली सीईओ थे, तो जब मैंने उन्हें देखा तो सीईओ लग नहीं रहे थे। तो अब मैंने कहा कि इनको मैं कैसे कहूँ कि कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करूँ। तो मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा सर वो सीईओ को सीईओ लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? तो एकदम वो हंसने लगे और कहने लगे कि मैंने कहा मैं कहीं आपको मैंने ऑफेंड तो नहीं कर दिया? कहते नहीं नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही बात की। लास्ट वीक ये हुआ कि मैं अपने एक मार्केटिंग के बंदे के साथ एक इवेंट पे गए, और वहां पे वो बड़ा वेल ड्रेस था और मैं इस तरह वो ग्रिंकल किस्म कपड़े वोटे पहने हुए थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप पीछे बैठ जाएं, और उसको मेरे जो मार्केटिंग वाला बंदा उसको ला के सामने उठा दिया। तो दिस happens all the time कि अगर आप एक जो है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि नॉट ओनली सीईओ शुड लुक लाइक सीईओ, आप जो भी हैं आपको लगना चाहिए। तो अब ये इसको हम सॉर्ट आउट कैसे करते हैं कि एक सीईओ की लुक कैसे होनी चाहिए? तो इसमें मेरा यू नो काफी तजर्बा है इसमें, और जो मैंने उसमें मेरी इनसाइट डेवलप हुई है वो ये है कि 95% सीईओ हैं दुनिया में, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, पाकिस्तान हो, इनका एक माइंडसेट है और एक सबलिमिनल मैसेज देते हैं 95% इनके सिमिलर मैसेज देते हैं जिसकी वो भी बात करते हैं। 5% वो हैं जो कहते हैं कि भाई मैं जो मर्जी लगूं, मैं अपनी वो कहते हैं ना ट्यून पे सॉन्ग पे डांस करूंगा। तो उसमें 5% में जैसे उसका रिचर्ड बर्नसन आ जाता है वर्जिन एयरलाइन का, तो वो क्या करता है कि वो एक हवाइन शर्ट पहन के आता है, कई लोग हैं वो कान में बुंदे बुंदे लगाए होते हैं, आई मीन दे लुक वेरी एक्सेंट्रिक। तो वो ठीक है, आई मीन दैट्स हाउ दे वांट। अगर आप उसको अच्छा से कैरी कर सकते हैं अपनी लुक्स को, तो मेरा ख्याल इसमें कोई मजायका नहीं है। हाँ, मजायका नहीं है, लेकिन अगेन 95% है वो एक मोल्ड में आते हैं, तो हम उन 95% की बात करते हैं। अच्छा, ये जो 95% है, ये इनकी जो लुक है पहले थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि ये इमेज क्या देते हैं। तो पहली बात तो यह है कि इसको देख के जो इस 95% कैटेगरी में है, दे लुक हाईली हाईली सक्सेसफुल, बहुत कामयाब लगते हैं। जिन्हें आप देखते हैं तो कहते हैं बड़ा कामयाब बंदा है। तो पहला तो ये इनका ट्रेट ही होता है। दूसरा ये है कि दे लुक वेरी सोफिस्टिकेटेड, इनकी बड़ी सोफिस्टिकेटेड लुक होती है। अच्छा, सक्सेसफुल का तो हमें पता है ना, मूवीज में कैसे सक्सेसफुल दिखाते हैं, यू नो ड्रेसिंग बड़ी अच्छी है, आपकी सारी एंबियंस बड़ी अच्छी है, आपकी एक्सेसरीज बड़ी अच्छी है, सारा कुछ है, आपका ऑफिस कार वगैरह सारा कुछ है, तो इस तरह दिखाते हैं, तो दे हैव दैट। अच्छा, सोफिस्टिकेटेड कैसे लगना है? सोफिस्टिकेटेड ये है कि जितने लाउड कलर हैं वो आपको सोफिस्टिकेटेड नहीं शो कर सकते। तो ये कभी आप देखें इनको कि लाउड कलर्स नहीं पहनते जी। ये बड़े यू नो जिसे कहते हैं न्यूट्रल कलर्स, जो मैनली कलर्स वो पहनते हैं। यू नो मैं न्यूयॉर्क में ज्यादा टाइम मेरा गुजरा है, तो वहां पे कहते हैं ना न्यूयॉर्क इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड प्लेस ऑन द प्लैनेट अर्थ। तो वहां पे जो है ना आप समझिए कि ग्रेस हैं, ब्लैक्स हैं, ब्लूस हैं, तो ये अक्सर आप इनको उसमें देखेंगे। अच्छा, तीसरी बात जो ये इमेज देते हैं कि ये इंथाई डिफाइंड एंड पॉलिश्ड है,
आप इनमें किसी बंदे को देख लें तो मैरिक वो पाकिस्तान का वो टॉप सीईओ है जिसको ये सारी ड्रेसिंग करनी आती है, तो ये बड़े अच्छे फाइन एंड पॉलिश लगते हैं। अब इसका क्यों जरूरी है, क्या ये जो आप कह रहे हैं कि सीईओ की ड्रेसिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसको डिफरेंट लगना चाहिए, क्यों डिफरेंट लगना चाहिए, आपको क्या लगता है वो बाकी एम्प्लॉयज जैसा क्यों नहीं लग सकता? नहीं, इसलिए लग सकता कि देखिए उसने इम्पैक्ट क्रिएट करना है। कोई भी लीडर है वो जैसे आप फोर्सेज में है तो आप देखिए कि जनरल की जो लुक है, जनरल का यूनिफॉर्म है वो जो है वो यूनिफॉर्म जो है सोल्जर के यूनिफॉर्म की तरह नहीं होता, डिफरेंट होता है। इसी तरह आप प्लेन में देख लीजिए जो पायलट है उसका यूनिफॉर्म जो है टोटली डिफरेंट है एयर होस्टेस वगैरह से, जो बैगेज कैरियर करने वाले जो लोग हैं ना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई बड़े अच्छे लोग हैं या ये कम कर रहे हैं या इस किस्म की बात नहीं है। आपका जो यूनिफॉर्म है ना वो आपको डिफाइन करता है कि आप कौन है। अच्छा, अब आपने कहा फर्क क्या पड़ता है, तो फर्क तो अभी मैंने आपको वाकई बता दिया कि वो गए और उन्होंने उसको पीछे उठा दिया और उसके मार्केटिंग बंदे को आगे उठा दिया। अच्छा, अब इसमें फर्क क्या पड़ा, फर्क ये पड़ा कि ही डिडंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट हिज केस, प्रेजेंट हिज एजेंडा। अभी दूसरी बात है कि अगर 100 बंदे बैठे हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल लार्ज कंपनी है, आप कंपनी में आप खिताब करते हैं, यू नो उसे मिलते हैं, अपने स्टाफ से मिलते हैं, तो अगर आपके अंदर अथॉरिटी, एक और चीज मैं कहना चाहता इन सब में अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी लगती है। अब चलिए वो बॉसी वाली अथॉरिटी की बात नहीं करते, यू नो आई पुट माय फिस्ट डाउन, आई पुट माय फुट डाउन, वो वाली बात नहीं है। ये जो है अथॉरिटी इनकी जो है वो ड्रेसिंग में, इनके ऑरा में, इनकी पर्सनैलिटी में ड्रेसिंग लगती है, अथॉरिटी लगती है। अच्छा, इसका मतलब अब मैं आपसे पूछता हूँ, कोई बंदा अगर आपसे बात कर रहा है उसमें अथॉरिटी नहीं लग रही, वो बड़े वो यू नो शोर वोर से बात कर रहा है, तो क्या आपकी बात सुनेंगी? इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो अथॉरिटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसमें वो लगे कि अथॉरिटी की यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा है, इसकी बात सुननी चाहिए। वो अलग बात है कि अगर फी डजंट मेक सेंस तो आप इसी की बात नहीं सुनेंगे। तो अथॉरिटी और लास्ट दो चीजें मैं जरा इसको कंप्लीट कर लूँ अपने अथॉरिटी को, तो दो और चीजें हैं जो इनमें है और यू नो जो सीईओ से जो 95% की बात हो रही है, ये इंतहाई जो है वो लगते हैं अकॉम्प्लिश्ड और अराइव्ड। अच्छा, अब अकॉम्प्लिश होना एक और चीज है, अकॉम्प्लिश लगना एक और चीज, लुक्स के साथ। तो इनकी जो लुक है, इनकी जो पुट टुगेदर, हाउ दे पुट टुगेदर, हाउ दे प्रेजेंट देमसेल्फ, तो ये चार पांच चीजें हैं जो जिनको हम कहते हैं नॉन वर्बल मैसेजेस। ये तमाम वो 95% सीईओ दुनिया में है वो प्रेजेंट करते। अच्छा, हम इसको अब एक बेंच मार्क से कंपेयर करते हैं, क्योंकि बेंच मार्क के साथ कंपेयर नहीं किया तो फिर तो हामिद सीज ने कहा तो यू नो हेयर से होगी ना बात। अच्छा, जो सबसे ज्यादा जो मोर पावरफुल सीईओ हैं दुनिया में वो कौन है? वो है दुनिया के जो प्रेजिडेंट्स हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रुप है G7 का, जो G7 के प्रेजिडेंट्स हैं। अच्छा, आप बाइडन है, प्यूटन है, उसके बाद यू नो ब्रिट्स के हैं और जर्मनी है, फ्रांस है। तो इनकी लुक देखें तो दे अगेन ये जो मैंने भी क्राइटेरिया बताया इसी क्राइटेरिया में फॉलो करते हैं। दे लुक हाईली सक्सेसफुल, बहुत सोफिस्टिकेटेड लगते हैं। आप कोई लाउड चीज नहीं देखेंगे, कोई लाउड डिजाइन नहीं देखेंगे, यहाँ जी वो बटन डिफरेंट कलर के कर दिए हैं, यो काज डिफरेंट कलर का कर दिया है, या फूल लगाया हुआ है। थैंक यू फॉर सेइंग दिस। तो इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, अगर से हरकत ही होगी ना दे विल नेवर डू दैट। तो ये है बेंचमार्क। अच्छा, अब बेंचमार्क को जो बंदा फॉलो नहीं करता तो आई थिंक वो बंदा जो है फिर वो ही इज ऑन हिज ओन। मैं ये नहीं कहता कि वो यू नो इज नॉट गोना लैंड ऑन हिज फीट एंड ऑल दैट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है इससे आपकी जो है आपका जो एजेंडा आप पेश करने, बाय द वे दे आल्सो कम्युनिकेट विद देयर टॉप क्लाइंट्स, दे आल्सो ट्रैवल अ लॉट, दे यू नो सेमिनार्स वगैरह में जाते हैं, इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इनमें ये चीजें नहीं लगती तो देन यू नो देयर इज समथिंग मिसिंग। सो ये जो है ये नॉन वर्बल इनको दैट्स हाउ दे शुड कम्युनिकेट। गुड। अच्छा हाँ, मैं सब एक चीज के आपको क्या लगता है कि जो सीईओ है उसको हमेशा टोपी, टाई और यू नो ऑल द एक्सेसरीज इसके साथ अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, या वो पैंट शर्ट्स इनके साथ भी प्ले कर सकते हैं, ब्लेजर्स वगैरह, क्या होना चाहिए? एक्चुअली ये बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपने पूछा है कि मोस्टली जो सीईओ हैं जो जिनकी बात कर रहे हैं 95% टॉप पे बैठे हुए हैं, दे आर वेरी वेरी केयरफुल। मतलब हम फिर वही ले जाते हैं G7 के ऊपर। जी, अच्छा, अब G7 के जो प्रेसिडेंट्स हैं ये कैजुअली कैसे अपने प्रेजेंट करते हैं?
यू विल नेवर फाइंड देम इन शर्ट एंड पैंट, वेरी सेल्डम. अच्छा, शर्ट पैंट में नजर नहीं आएंगे. उसकी वजह है कि शर्ट पैंट अगर आप पहनते हैं तो फिर आप एक कॉमन मैन लगते हैं. कॉमन का मतलब नथिंग रॉन्ग विद लुकिंग लाइक कॉमन मैन, लेकिन आपकी वो अथॉरिटी जो है, सिर्फ एक गारमेंट आपको अथॉरिटी दे सकता है जिसकी बात हो रही है. अब ये तो नहीं ना कि मैं सीईओ तो मैं मीटिंग में जाऊंगा, आई हैव अथॉरिटी, मैं यह कहूंगा आई एम वेरी सक्सेसफुल पर्सन, या मैं ये कहूंगा जी मैं बड़ा सोफिस्टिकेटेड. लिखा तो नहीं हुआ ना, तो लोग कैसे बताऊंगा. तो उसमें जो गारमेंट्स है ना, वो दे हैव सर्टेन मैसेजेस. तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज जो है अथॉरिटी का, वो आता है कोट के साथ या जैकेट के साथ. तो अगर आपने जैकेट नहीं पहनी तो यकीन करें कि आपने शलवार में ठीक है उसको भी अगर आपने जैकेट के बगैर पहना है. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो सीईओज हैं, जो वैसे जैसे आपने कहा कि वो सूट वूट पहन के आते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे वो शर्ट पैंट पहन लेते हैं. अच्छा, इसकी एक और भी बात मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसी तरह. अब शर्ट पैंट और कौन कौन से लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में पहनते हैं, तो अगर आप निचले बिल्कुल लेवल पर चले जाएं, जेनरल लेवल पर चले जाएं, तो क्या पहनता है? अगर शुरुआत में नहीं पहनता, शर्ट पैंट पहनता है, ठीक है. अच्छा, इसी तरह जो है अगर आप चले जाते हैं लोअर एडमिन पे चले जाते हैं, जो आपका असिस्टेंट मैनेजर है या कैशियर है, वो क्या पहनता है? वो भी शर्ट पैंट पहनता है. अच्छा, फिर ऊपर तरह आ जाएं तो उसके बाद आप मैनेजर लेवल पे आ जाते हैं, उसके बाद आप मिडिल मैनेजमेंट में आते हैं, होगा तो शायद टाई, हाँ, पैंट शर्ट, लेकिन वो मोस्टली आप इसी में रहेगा जी. जैकेट्स या कोट्स इस तरह की कोई नहीं होती. अच्छा, आप थोड़ा सोसाइटी में आ जाते हैं हटके वहां से, तो आपका रिक्शा ड्राइवर क्या पहनता है? वो शुरुआत शर्ट पहनता है मोस्टली, अगर शुरुआत में नहीं पहनता. बस कंडक्टर, बस ड्राइवर. अच्छा, आई एम नॉट डिमीनिंग देम, आई एम नॉट सेइंग कि यार ये कोई खुदा नखास्ता इनमें कोई नुक्स है. बात असल में ये है कि जब आप पोजीशन के मुताबिक ड्रेसिंग नहीं करते तो फिर आपका वो इम्पैक्ट नहीं होता. और इसलिए उनको चाहिए कि वो जो आपने पूछा कॉल के आपने पैंट शर्ट में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मैं कहूँगा उसके साथ ब्लेजर जरूर पहने जैसे आपने मेंशन किया है. तो बात ये हुई कि वो जो इम्पैक्ट है उसको क्रिएट करने के लिए आपको अपनी ये पूरी सूटिंग जो है उसको देखना है. जी बिल्कुल. ऐसे ही है ना, जैसे मैं अगर पायलट हूँ तो मैं कहता हूँ कि आज तो मेरा मूड नहीं था, मैं आ जाता हूँ टी शर्ट में, आ जाता हूँ पैंट में, आ जाता हूँ, मैं आपको अपना फ्लैश करता हूँ कार्ड कि मैं पायलट हूँ, हम इससे ट्रैवल करेंगे, मेरा निकाल कर ट्रैवल करेंगे. इसी तरह सीईओ जो है, अगर वो अपने आप को, मैं ये कहता हूँ कि उससे पता क्या होता है, उससे जब वो अपना लेस देन ड्रेसिंग करता है उससे. अब जो प्यूटन है, बाइडन है, ये भी तो आफ्टरऑल कह सकते हैं ना किसी दिन, यार आज मेरा मूड नहीं था, या आज मुझे ऐसे करना चाहिए. दे विल नेवर कम कैजुअल, स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट मीटिंग. तो इसमें जो है सीईओ की डिफरेंट रोल्स हैं. जब सीईओ बोर्ड मीटिंग्स हैं तो उसमें लाजमी बात है, आई वुड सजेस्ट कि वो अगर यू नो उसमें शूटिंग है, अनलेस के वो शुरुआत में ज्यादा बनता है, तो शुरुआत में इसके साथ वेस्ट कोट पहन सकता है, कोट पहन सकता है. तो ये आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी चेंज करता है, पूरा जो एक ऑरा होता है. जैसे हम फीमेल्स में एटलीस्ट मैं ये बात हमेशा करती हूँ कि जब आप फ्लैट शूज पहनते हैं ना, आपकी जो आपके आप चलते हैं वो चेंज हो जाता है. और जैसे आप थोड़ा सा हील्स में आते हैं तो थोड़ी एक फॉर्मल लुक आ जाती है और चाल भी बदल जाती है. बल्कि ये आपने तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए. तो मैं कहता हूँ यार मैं बॉडी लैंग्वेज का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं इसको टीच नहीं करता, लेकिन मैं एक बात जरूर बताऊँ. जो ही आप फॉर्मल ड्रेसिंग में आते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली, अब जैसे मैं कैसे बैठा हूँ, अब कभी आपने कैजुअल बंदे को बैठा जो कैजुअल क्लोथिंग पहन बैठा होगा, डेफिनेटली देखा होगा आपने, तो कैसे ऐसे लेटा होता है ऑलमोस्ट स्लाउची करके, फिर लेट ही जाता है, यू नो 5-10 मिनट के बाद तो ऐसे जैसे आप लेटे हुए बदल जाते हैं. आपका सोफा कंफर्टेबल है तो लेटने वाली लेटने वाली बात है. तो ये जो आप ये जैकेट है ना, जिसको कहते हैं कोट कह लें जैकेट कह लें, ये आपको स्ट्रक्चर करती है और फौरी तब आपको मजबूर करती है कि आपने अपनी बैग जो है बिल्कुल आपने सीट के साथ लगानी है और अपनी बॉडी लैंग्वेज जो है उसको ठीक करना है, अपना जो फेस है सारा. तो ऑटोमेटिकली शोल्डर ऐसे नहीं जाएंगे, शोल्डर ऐसे हो जाएंगे. तो अब ये एरोगेंट लुक नहीं है, एरोगेंट लुक शोर है. एरोगेंट लुक के जब आपकी नाक यहाँ चली जाती है, ठीक है, आई मीन दैट्स एरोगेंट. वी ऑल नो दैट. सब थोड़ा सा बताइएगा, सीईओ है वो बैठा है, क्या उसके बटन अप होना चाहिए, वो खुला होना चाहिए, किस तरह से रखना चाहिए इसको, साइज कैसे. एक्चुअली जो बैठने का असूल है, अगर आपने कोट पहना हुआ है या टू पीस सूट पहना हुआ है तो आपने देखा अक्सर लोग उसको बटन को बंद करके रखते हैं जी, तो वो तो बहुत ही ऐसे लगता है बटन बंद के साथ ना, बड़े अनकंफर्टेबल लगता है. बटन बेचारा भी कोशिश कर रहा था इसको संभालूंगा. दूसरी बात है, पता है जब बैठते हैं तो आपकी बॉडी एक्सपेंड करती है. जी बिल्कुल. अच्छा, वो वैसे खड़े हुए हो सकता है कि ठीक ही हो बटन बंद करके, उसकी लुक जो है ना यहाँ पे सारा खिंचाव आता है तो वो बड़ा अनईजी सा महसूस होता है. तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि रिगार्डलेस कि आपने टू बटन है या कोई भी स्टाइल पहना हुआ है, आप बटन खोल के आराम से उसे बैठे एंड लुक कंफर्टेबल. जब आप कंफर्टेबल नहीं लगेंगे तो आप यू नो अनकंफर्टेबल लगेंगे तो लोग आपकी बात पे ध्यान नहीं देंगे.
बल्कि कई बार मेरा दिल करता है, कुछ मैंने देखे हैं लोग जिनकी शर्ट का कॉलर बहुत टाइट होता है, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करके बैठे हुए हैं, नेक भी नहीं है, ऊपर सारा ये सारा अफदान खाता वो सारा जो है वो गर्दन के सारे बल भी पड़े हुए हैं, सारा कुछ है वो सीईओ तक चूंकि एज भी वहां चली जाती है कि थोड़ी सी स्किन इलाज तो है, बिल्कुल समझना तो चाहिए। आपका मिरर आपको सबसे पहले बताता है कैसे लग रहे हैं। वो कहते हैं ना, बल्कि मैं कभी देखता हूँ किसी बंदे को जो इतना अच्छा ड्रेसअप नहीं हो, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि डोंट दे हैव मिरर्स इन देयर होम, कि ऐसी बात तो नहीं कि मिरर में डाले। अच्छा फिर उसका आज क्या है, देखें अगर मैंने बहुत टाइट शर्ट पहनी है, मैं सीईओ हूँ ठीक है, मैं समझता हूँ ये सूट पहनना चाहिए, और वहां चढ़ा हुआ है यहाँ पे और बहुत टाइट है, ऐसे करके मैं बैठा हूँ, तो देखिए आप उसके कॉलर के साइज को आप अपने साइज के मुताबिक करें, नेक के मुताबिक करें, रिलैक्स करें, उसके बाद आप टाई लगाएं, आपकी यहाँ बैठनी चाहिए ना टाई। अच्छा कुछ लोग बेचारे ऐसे होते हैं सीईओ भी हैं नॉन सीईओ भी हैं जिनकी नेक ही नहीं होती बेचारों, उसको उसका क्या इलाज, उसका इलाज है ये तो नहीं कर बेचारे की नेक नहीं, आप मेरे पास अगर आए तो मैं नेक तो नहीं दे सकता उनको, नेक तो अल्लाह ने दिया है। कॉलर से उसका ये है कि एक ये जो बैंड होता है ना पिछला, ये होता है 1.5 इंच का नॉर्मल शर्ट जो आप रेडीमेड खरीदते हैं, तो जब वो बनवाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको कॉलर बैंड को थोड़ा छोटा करते हैं, क्वार्टर इंच, फिर ये जो सर्कमफेरेंस है इसको हल्ला बोलते हैं टेलर, इसको हम करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे लेके आएंगे यहाँ चढ़ने के लिए, तो अब यह है कि उसको अगर क्वार्टर इंच हाफ इंच भी नेक मिल जाए ना तो उसके लिए तो हैंडीकैम्पर, तो हर चीज का इलाज है। लेकिन आप ये कहें कि क्योंकि मिलता ही ऐसे है मैं ऐसे ही लगूंगा, तो सीईओ ना बड़ा कंफर्टेबल लगना चाहिए, कॉन्फिडेंट लगना चाहिए, एंड ही शुड लुक लाइक ही इज इन कमांड। ग्रेट, पैंट्स टाई करने का एक तरीका होता है, मुझे नहीं पता लोग कहाँ से इसको सेंस करते हैं कि मुझे कहाँ टाई करनी चाहिए पैंट, प्लस बेल्ट जो है मुझे लगता है ये बहुत बड़ा रोल, पैंट की बात कर लेते हैं जी, वो पैंट के साथ ही चूंकि अटैच है, तो मैं सिर्फ आपको बताना चाह रही हूँ कि वो जो चूंकि रोल प्ले कर रही होती है तो इतना वो और लगता है अगर बेल्ट का बकल डिफरेंट हो फॉर द टू पीस। आप खाली पैंट शर्ट पहन रहे हैं तो मेरा ख्याल आप बहुत सारा प्ले कर सकते हैं उस बेल्ट के साथ, तो पहले हम आपसे पूछेंगे समझेंगे कि पैंट आपने कैसे डाला। पहले बताता हूँ कहाँ नहीं पहननी चाहिए, छाती तक नहीं आनी चाहिए जी बिल्कुल, वो कहते हैं यार मैं ओल्ड फैशन हुई है, मैं कहते यार आप ओल्ड फैशन है लेकिन ये बताया कि आजकल तो आप स्टेट ऑफ द आर्ट चीजें प्रमोट कर रहे हैं ना, आपकी कंपनी स्टेट ऑफ द आर्ट है, आपकी प्रोडक्ट स्टेट ऑफ द आर्ट है, हम रेडियो पाकिस्तान है, हम यू नो वी आर ऑन द कटिंग एज ऑफ द थिंग्स, तो हम क्यों लगे कि हम डायनासोर एज से हैं। तो सबसे पहली बात, अच्छा इसका मतलब ये भी नहीं कि हम वॉइस करके बिल्कुल नीचे के यू नो ठीक है ना, पहले था ना बहुत नीचे करके लड़के भी पहनते हैं, लेकिन उसके इन बिटवीन भी जो जगह है ना, तो आपने क्या करना है कि आपने बहुत ऊंची भी नहीं पहननी, आपने बहुत नीची भी नहीं पहननी, तो ये जो बोन है ना यहाँ पे ये बोन जो है ना दैट डिटरमाइंस के कहाँ पे पैंट आए। ओके, लेकिन एक और बात है कि पैंट जो है वो यू नो ग्रेविटी जो है वो अफेक्ट करती है सारा दिन, तो पैंट नीचे आ जाती है, तो आपने देखना है कि पैंट नीचे स्लाइड कर जाती है ना, अगर आपकी थोड़ी सी डमी है तो आप अपने आप को मैं कहना थोड़ा सा तो आपको फ्रेश अप करना चाहिए। अच्छा जो पैंट का बकल है उसकी बात आपने की है, पैंट जो है अगर आपने बेल्ट लगाई है तो बेल्ट का मैं कहूंगा कि अगर आपने फॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं तो उसके ऊपर कोई लंबा चौड़ा बड़ा कोई ऐसा बकल नहीं होना चाहिए, वो जींस वींस के अच्छे लगते हैं कैजुअल के साथ, और इसमें आपको जो है ना वो कहते हैं स्मॉल बकल के साथ, खासतौर पर टू पीस सूट पे बकल स्मॉल होगा अच्छा, और उसके बाद उसकी बेल्ट जो है वो अबाउट 1.25 इंच होगी, पतली होगी, उसके ऊपर कोई लंबी चौड़ी हैवी स्टिचिंग नहीं होगी, जो नहीं हैवी स्टिचिंग आ गई तो वो जीन्स के लिए हो जाएगी या उसके लिए भी लोगों को नहीं पता है जी। तो और खासतौर पे उसके ऊपर अगर आप सीईओ हैं तो आप तो अपने खुद ब्रांड है ना अपने, तो ब्रांड के उस बेल्ट के ऊपर कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, स्पेशली वो गुची मुची है वो सारा, क्या बेल्ट जो उसका मटेरियल है जो लेदर है क्या उसको पतला भी होना चाहिए, स्लीक होना चाहिए ना, पतला होना चाहिए, बहुत मोटी देखें जब थिक होती है ना तो वो फिर कैजुअल बेल्ट बन जाती है। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो पाकिस्तान में दुनिया में काफी लोग करते हैं कि बड़ा अच्छा सूट पहना हुआ है, फिर शर्ट बड़ी अच्छी है, टाई भी बड़ी अच्छी है, एवरीथिंग लुक्स ग्रेट, लेकिन बेल्ट जो है वो जरा कैजुअल लगाई हुई है, तो आई थिंक दैट के उसको थैंक यू सो मच, बड़ी इंफॉर्मेटिव ये बातें हैं। एक आखिरी चीज जो मैं जाते जाते पूछना चाहूंगी कि सीईओ को खड़े कैसे होना चाहिए, क्या उसको यूं खड़े होना चाहिए, हाथ पीछे टाई करने चाहिए, स्ट्रेट करने चाहिए, कोई तो उसकी लुक होगी जी। अच्छा मैं ये कहूंगा कि देखें अगर हाथ अंदर पकड़ के करते हैं तो दैट लुक्स वेरी स्ट्रेंज ना,
आप लगता है कि आप बहुत ही कोई बड़े कैजुअल से हैं, बड़े इजी से हैं, आप कहीं चहलकदमी कर रहे हैं, एक हाथ अंदर डाला हो ये करने, तो आपकी यू नो इमेज हो जाएगा। दूसरा, अगर आपने हाथ बांध करके ऐसे खड़े हैं होकर, तो बड़े आप सबमिसिव से लगेंगे ना, जैसे अपने हाथ बांध के खड़े हुए हैं, मतलब उसकी जो इमेज आता है वो ये है। तो मैं ये कहूंगा कि आपके जो हाथ हैं वो स्ट्रेट यहाँ पे होने चाहिए, शोल्डर के साथ ऐसे आपके साथ होने चाहिए, रिलैक्स हो। और खड़े होने में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पेट ये जो है अंदर हो, और वह कहते हैं जैसे आर्मी में कहते हैं कि सब पेट अंदर छाती बाहर, तो आपका जो पॉस्चर है ना वो स्ट्रेट होना चाहिए। अगर आप स्लाउची हैं, अगर आप ऐसे करके झुक के खड़े हैं, तो बिलीव इन आट्स गोना टेक अवे फ्रॉम योर पर्सनैलिटी एंड यू नो दैट। अच्छा, एक लास्ट बात जो है, मैं पावर लुक की बात जो है, क्योंकि सीईओज आर नोन फॉर पावर लुक, तो अल्टीमेट पावर लुक क्या है? अगर आपकी लेट्स से बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग है, और बिग फिश आपसे मिलने आ रही है, व्हाटएवर, तो उसमें आपने कौन से टिकुलरली कौन से कपड़े पहने हैं? तो मैं ये कहूंगा कि उसमें ब्लैक सूट, व्हाइट शर्ट, रेड टाई, ये नॉट ओनली इज द एग्जाम्पल ऑफ पावर बट इट्स एपिटमी ऑफ पावर। वेरी गुड, थैंक यू सो मच हामिद साहब, बहुत शुक्रिया आप आए, अपना वक्त दिया और ऑडियंस के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। मुझे सदफ खालिद को रेडियो पाकिस्तान लाहौर से आप सुन रहे थे, इजाजत दीजिए, नेक्स्ट एपिसोड में आपके लिए कुछ नई चीज लेके आएंगे। अल्लाह हाफिज़।